पे आपको जो है रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए ये जो मैम ने लिंक भेजी है इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा वेब पेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल लिखना है, जैसे जो भी आपका ईमेल है वो लिखना है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना फादर नेम और मदर नेम लिखना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना है अपना, यहाँ इस जगह पे, और इस जगह पे आपकी जो क्लास है वो लिखना है। जैसे हमारी क्लास 7th है तो आपको यहाँ पे 7th लिखना है। यहाँ पे आपको स्कूल नेम लिखना है, तो स्कूल नेम मैं दिखा देती हूँ क्या है। तो स्कूल नेम है GGDSS मोलरबंद मोलबंद नंबर 2, ऐसे ये नाम फिल कर देंगे। यहाँ पे आपका जो फ़ोन नंबर है वो लिखना है, और यहाँ पे अगर आपको दिक्कत हो रही होगी यहाँ पे स्कूल आईडी या तो करना है फोटो डालने हैं या तो जो है आधार कार्ड का फाइल डालना है। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, आप ऐड फाइल्स पे जाएंगे। ऐड फाइल्स पे जाने के बाद आपको सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो ये है ना इधर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपको या तो यहाँ पे जाना है, इससे आप जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक वाइट पेज ले लेना है इस तरीके से, उसके ऊपर अपना आधार कार्ड जो है रखना है और उसको रिकॉर्ड करना है। या तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करें और कैमरा पे जाएं और वाइट पेज पे अपना आधार कार्ड रखें और उसकी जो है एक फ़ोटो खींच लें यहाँ पे आधार कार्ड रख के। और जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद जैसे ऐसे मान लो यहाँ मैंने ऐसे इस तरीके से मतलब आपको आधार कार्ड की फ़ोटो खींचनी है, और खींचने के बाद यहाँ ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो आपको अपलोड पे जो है क्लिक करना है। इस तरीके से अपलोड होगा, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। लेकिन मैंने ये सारी डिटेल्स नहीं भरी है, आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है, और उसके बाद ये वाला काम करना है जो अभी हमने किया है स्कूल आईडी और आधार कार्ड का। और उसके बाद आपको जो है इसे सबमिट कर देना है और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा।